एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। इस योर बॉय समीर खान बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं आलेन, क्योंकि इधर पे आज बासी ईद है और इंडिया में बकरी ईद है। तो इधर पे बासी ईद है तो आज हम लोग का कुर्बानी हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं। हमारे आलेन में कोई रिश्तेदार है तो उन लोग सबको देंगे गोश्त, और फिर इधर से उधर पर आलेन में थोड़ा घूमेंगे। चलते देखते क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। लेट्स गो। गाइस, रास्ता बहुत लंबा है, 2 घंटे का रास्ता, 2 से 3 घंटे का। तो आधे से ज़्यादा रोड ही मिलेगा, तो मैं आप सबको बताते रहूँगा। सो लेट्स। अभी सिर्फ रास्ते में विला आएगा, अलग अलग एकदम मस्त विला है, तो वो सब आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं। फिर उधर जाएंगे जबल हफीद, फिर आलेन, उधर पे गोश्त बांटेंगे कुर्बानी का, और इधर पे सब देखो अभी विला है, एकदम अलग अलग है, एकदम फोर्स है। सो देखते रहो। चेक करते कार की, चेक करते। नंबर 32 आएगा दोस्तों। हाँ, 33 आ रहा है। हो गया। दिस इज एंड ऑफ पेट्रोल पंप, और साथ में बाजू में KFC है। टायर चेक कर लिए, हवा भर दिए, गर्म है। पीछे कपड़ा है, टॉवल देना। टॉवल दे। अभी पूरा कार चेकअप करके हो गया, पूरा सब सही है, तो अभी निकलते, क्योंकि 2-3 घंटे का रास्ता है। रास्ते में कुछ हो गया तो फिर बहुत दूर तक है कुछ भी, तो अभी चेक कर लिए, चलते हैं। तो ना आलेन के रास्ते में बहुत सारा खजूर का झाड़ है, तो हम लोग सोचे थोड़ा खजूर तोड़ लेते, तो ये तोड़ रहा है, देखते खजूर कैसा रहता है, पका रहता है कि कैसा रहता है।
पूरा लाइन से खजूर का झाड़ ही छे पूरा लेन में। आसपास देखोगे ना झाड़ी खजूर ही खजूर है। तो सोचे थोड़ा खजूर ले लेते। दिखा दिखा खजूर पकड़ पकड़। तो ऐसा खजूर है, थोड़ा थोड़ा पका है, थोड़ा थोड़ा कच्चा है, तो भी खाने लायक तो है, खजूर ही तो है। अलेन के सिग्नल पे एक घड़ी है, बहुत बड़ी मतलब नॉर्मल सी घड़ी है। चार एकदम पवई माफी के इधर पे सब पवई प्लाजा लग रहा है मेरे को इधर पे। एकदम पास से दिखाता हूँ, दिख रहा है तो कमेंट में बता देना। नीचे हमारा मोबाइल भी है। चलते हैं जबल हफीद के और पहाड़ी पहाड़ अभी रास्ते में दिखेगा। रास्ता भी अभी थोड़ा लंबा ही चेर पहाड़ी है, सिर्फ सिर्फ पहाड़ है। तो चलते हैं। पहाड़ पे चढ़ रहे ना, इधर से पहाड़ चालू होता है, रास्ता एकदम खतरनाक रहेगा, देखते रहो। डेंजर रास्ता है इंडिया में, सब डेंजर रास्ता है भाई। अंडाला ना, अंडाला से भी डेंजर है, मेरे को लग रहा है अभी तो पूरा पिट जाएगी। अब सबसे बड़ी गलती इन लोग की क्या है पता है, ये दोनों एक ही में रखे। हाँ, इधर एक बीच में डिवाइडर डालना चाहिए। ये बीच में वो अलग रहता ना, वो अलग रहते थे, अपन अलग रहते। लास्ट लेन में आके थोड़ा सुकून मिला, फटने लगी। अभी तो स्टार्ट है बेटा, बुद्ध देख।
देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे। सो गाइस, इतनी डेंजर रास्ते को क्रॉस करके हम पहुंच चुके तो आप सबका भी नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत डेंजर है, आओगे तो कभी पता चलेगा। सो बहुत डेंजर जगह है, अभी और ऊपर है लेकिन ये सेकंड है हाईएस्ट। भाई टॉप पे और है पर हम लोग इधर ही रुक चुके हैं, तो अभी हम लोग इधर ही रुक चुके हैं, तो इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। अगर इससे ऊपर गए पता नहीं, इसलिए मैं बोला इसको इधर ही रुका देना। और इतना भयंकर रोड है, इंडिया वापस आने गए, इसीलिए इंडिया वापस आने गए। अरे नीचे उतरने, चलो चलते। अभी हम लोग आए थे इधर पे कुर्बानी का गोश्त देने, अभी निकल रहे, अंधेरा हो गया इधर पे, अभी निकलते अपना साबिया अपने घर पे। लेकिन अपने साबिया की बिल्डिंग की तरह नहीं, इधर पे एक भी साबिया में सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, इधर पे छोटा छोटा विला है।
शाम हो गया, अंधेरा हो गया। बस अभी जाके हम लोग ऊपर से उतरे। कढ़ाई, आलू मटर, सलाद, भिंडी। दो दिन रिताज से खाना खा के हम लोग बहुत थक गए थे, तो मैं उस दिन का शूट नहीं कर पाया था। और रास्ता बहुत लंबा था, तुम साहब सब ने देखा कि रोड ही रोड था, सिर्फ रोड का रोड था, बहुत लंबा था, 2 घंटे का रास्ता था जबल हफीज का। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, डिड मेक यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो खुदा हाफिज़।